मैं चौकीदार हूँ यहाँ का फिरदौस का। मैं पुराने अरसे से 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर। चार बंदे थे, हम कंपनी की तरफ से आए थे, फिर मालिकों ने हमारे को ऑफिस में यहाँ पर भेज दिया था, अपनी तरफ से उन्होंने रखा था। परवेज साहब को खुद मालूम है, परवेज साहब को खुद मालूम है, उसने खुद रखा था। इधर चार बंदे थे, अभी तनख्वाह भी बंद है, उसमें राशन के पैसे भी बंद है, दो टैंकर मिलते थे वो भी बंद है। ये खुद मैंने खुलवाया है, पानी के लिए टैंकर मंगवाया, अपने घर से पैसे भरा हूँ 4000, मैं खुद इसका भरा हूँ। ये जो ट्रैक्टर है उसके भरा हूँ, देने के लिए कोई नहीं है। बाकी भाग के आ रहे हैं तो हमारे प्लाटे ऐसे तो हर बंदा बोल रहा है हमारे प्लाटे, 20 साल से कोई आया भी नहीं है, पता नहीं मालिक कौन है कौन नहीं है। जो भी मालिक होगा मैं कुछ क्या कर सकूँगा उसको, चौकीदारों ज़्यादा से ज़्यादा इतना बात कर सकूँगा बाबा, मालिक से बात कर सकता हूँ जो मालिक हमारे को रखा था। बाकी मैं चौकीदार हूँ, मेरा भी हक करना चाहिए। राशन के पैसे थे, तनख्वाह है, दो बकरियाँ मेरी गुम हो गई है, गरीब हूँ, ये खुद मैंने काटा है। परवेज साहब से इजाज़त लेके फिर मैंने ये काम किया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। कब्जा ग्रुप कोई नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है प्लाट वाला आ रहा है देखने के लिए, तो भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बाकी कोई कब्जा ग्रुप यहाँ पर मौजूद नहीं आया हुआ है। मैं बैठा हूँ, जो भी काम होगा मैं डायरेक्ट परवेज साहब से बता दूंगा।